तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सातोरू गोजो के पावर लेवल्स के बारे में, उसके एबिलिटीज के बारे में कि यार वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यार गोजो के पावर लेवल को समझना काफी मुश्किल है और मुझे पता है कि आपको भी मुश्किल हुई होगी। और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम गोजो के पावर्स को देखा था तो यार मुझे भी दिक्कत हुई थी समझने में, तो इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो आई होप गाइस कि आप समझ पाएंगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार गाइस, सबसे पहले बात तो सातोरू गोजो के बारे में ये है कि उसे जुजुत्सु काइजन में स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बताया गया है, और वो क्यों बताया गया है वो तो आपको अच्छे से पता है। और साथ ही गाइस, सातोरू गोजो के पास इतने ट्रेमेंडस अमाउंट में कर्स एनर्जी है कि वो 5 मिनट के अंदर 1000 ऑफ डेमन्स को खत्म कर सकता है बिना किसी परेशानी के। तो आप समझ सकते हैं कि गोजो सातोरू के पास कितने अमाउंट में कर्स एनर्जी हो सकती है। और गाइस, सातोरू गोजो के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके पास इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ कर्स एनर्जी है एक ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी, जो कि किसी भी ह्यूमन के पास इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट में कर्स एनर्जी नहीं हो सकती। लेकिन सातोरू गोजो ही एक ऐसा बंदा है जिसके पास इतना सारा कर्स एनर्जी है, और ये सब उसके पास कहां से आया और कैसे आया वो तो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। और गाइस, जिसको कर्स एनर्जी के बारे में नहीं पता है कि वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कर्स एनर्जी वो होती है जो कैरेक्टर के पावर और स्टेमिना को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, नारुतो यूनिवर्स में पावर और स्टेमिना को चक्रा कहा जाता है, ड्रैगन बॉल सीरीज में की कहा जाता है, और ब्लैक क्लोवर सीरीज में मैजिक कहा जाता है। उसी तरह जुजुत्सु काइजन के सीरीज में कर्स एनर्जी कहा जाता है। तो यार, सातोरू गोजो के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, अनलिमिटेड स्टेमिना है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन है, एनर्जी मैनिपुलेशन है, नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन है, और साथ ही स्पेस टाइम मैनिपुलेशन भी है, और ये सब इसके पावर्स और एबिलिटीज है। और गाइस, इसकी जो स्पीड है ना वो इतनी फास्ट है कि कोई भी ह्यूमन अपने आंखों से इसे कैप्चर नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। तो यार, अब चलते हैं इसके स्पेशल पावर की तरफ, जिसकी वजह से ये एक ओपी कैरेक्टर कहलाता है। तो इसको जरूर ध्यान से सुनना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक एबिलिटी है जिसका नाम है लिमिटलेस, जो कि एक ऐसी एबिलिटी है जो गोजो सातोरू के फैमिली से उसे मिली है, या फिर यूं कहूं कि उसके फैमिली से चलती आ रही है। तो ये पावर क्या है, तो इसका आंसर है, इसका जो यूजर है वो अपने दम पर एक स्पेस क्रिएट कर सकता है जितना वो चाहे, और उस स्पेस में वो किसी भी मैटर को एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। तो गाइस, इसका जो लिमिटलेस पावर है, इसके 3 स्टैंडर्ड है और एक नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप इसके नाम स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला है इन्फिनिटी, दूसरा है कर्स टेक्निक लैब्स ब्लू, और तीसरा है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। ये तो है लिमिटलेस पावर के 3 स्टैंडर्ड, और इसके नॉन स्टैंडर्ड में सिर्फ एक है, वो है पर्पल होलो। तो मैं सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तो यार इसको ध्यान से जरूर सुनना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड में आता है इन्फिनिटी। तो यार, इस इन्फिनिटी पावर से गोजो जो है वो अपने चारों तरफ एक इन्फाइनाइट स्पेस क्रिएट कर सकता है, जो कि यूजुअली गोजो करके रखता है, जो कि एक अनब्रेकेबल शील्ड की तरह काम करता है, और ये कोई मामूली शील्ड नहीं है। और मैं जिसको शील्ड कह रहा हूँ ना, ये असल में एक इन्फाइनाइट स्पेस है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और इसका फायदा जो गोजो को ये होता है कि उसके परमिशन के बिना ना ही कोई उसे हिट कर सकता है, ना ही कोई उसे टच कर सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल अटैक क्यों ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना फायदा होता होगा सातोरू गोजो को। तो यार, अब चलते हैं अपने दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ, जो कि है कर्स टेक्निक लैब्स ब्लू। तो यार, इस टेक्निक में जो यूजर होता है वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा के स्पेस के नेगेटिव एनर्जी को मैनिपुलेट करता है एक मैग्नेटिक फोर्स की शक्ल में, या फिर इसे आप स्ट्रेंथ एट लिमिटलेस भी कह सकते हो। तो यार, मैं जिस ब्लू टेक्निक की बात कर रहा हूँ ना, वो हमने जुजुत्सु काइजन के एपिसोड 20 में देखा था, जहाँ पे सातोरू गोजो अपना फुल कॉन्सेंट्रेट करके स्पेस की नेगेटिव एनर्जी से एक ब्लू बॉल क्रिएट करता है। और फिर यहीं पे आता है तीसरा स्टैंडर्ड, जो है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। तो यार, इस टेक्निक में जो यूजर होता है वो स्पेस की नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करता है, तो उसकी वजह से जो बॉल क्रिएट होता है वो रेड कलर का क्रिएट होता है। और इन्हीं दो ब्लू और रेड कर्स एनर्जी को जब कंबाइन करते हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन से जो लिमिटलेस कर्स एनर्जी बॉल क्रिएट होता है, तो उसे पर्पल होलो कहा जाता है, जो कि नॉन स्टैंडर्ड कहलाता है। और ये सब हमने देखा था एपिसोड 20 में, जहां पे सातोरू गोजो रेड और ब्लू कर्स एनर्जी को कंबाइन करके एनिमी के ऊपर अटैक किया था। तो यार, ये जो पर्पल होलो एनर्जी है, असल में ये कौन सी एनर्जी बन जाती है? तो इसका आंसर है, पर्पल होलो एनर्जी जो है वो क्रिएट होने के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, और उसके सामने कोई भी आता है और किसी भी तरह का मैटर आता है, तो वो कर्स एनर्जी इंस्टेंटली उसे खत्म कर देता है। तो ये हमने एपिसोड 20 में भी देखा था कि किस तरीके से पर्पल होलो ने तबाही मचाई थी और किस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया था। तो यार, गोजो की एक और पावर है जो है 6 आई, जिसकी वजह से उसकी आंखें जो है वो लाइट ब्लू कलर की हो जाती है, और इन्हीं आंखों की वजह से ही सातोरू गोजो अपने स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकता है, और इसी वजह से हमेशा ब्लाइंड फोल्ड में वो रहता है। लेकिन ब्लाइंड फोल्ड होने के बावजूद भी वो 6 आई की मदद से सब कुछ देख सकता है, और इसी आई की मदद से गोजो अपने अपोनेंट के पावर लेवल को चेक कर सकता है, एनर्जी सेंस कर सकता है, और कौन सा अटैक कहां से आ रहा है वो भी
सेंस कर सकता है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन हो सकता है और साथ ही इंस्टेंट हील भी कर सकता है। तो आप समझ सकता है कि कितनी सारी चीजें हैं सातोरु गोजो के पास करने के लिए। तो यार ये तो बात हो गई गोजो को विरासत में मिली हुई पावर के बारे में। तो यार अब चलते हैं गोजो के खुद के क्रिएट किए गए और खुद से सीखे गए टेक्निक के बारे में, जो उस टेक्निक को ऐसे लेवल पे ले गया कि कोई भी उसे डिफीट नहीं कर सकता। तो यार इसके दो टेक्निक है, पहला है कर्टेन और दूसरा है अनलिमिटेड वर्ल्ड जो है डोमेन एक्सपांशन। तो पहला जो टेक्निक है कर्टेन, ये टेक्निक यूजर को अलाउ करती है एक बैरियर बनाने के लिए, जैसा कि हमने एपिसोड 18 में देखा था जहां पे एक एनिमी ने एक बैरियर बनाया था सातोरु गोजो के लिए, जिसमें सातोरु गोजो उस बैरियर के अंदर ना जा सके। तो यही बैरियर सातोरु गोजो भी क्रिएट कर सकता है और किसी भी पर्टिकुलर बंदे के लिए इसमें नो एंट्री और एंट्री कर सकता है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है अनलिमिटेड वर्ल्ड जो है डोमेन एक्सपांशन। तो ये टेक्निक जो है वो गोजो का अब तक का कूलनेस्ट और अमेजिंग टेक्निक है, जिसमें गोजो अपना खुद का एक इकोसिस्टम बनाता है जहां पे गोजो अपना कर्स एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके अंदर इनफाइनाइट स्पेस चल रहा होता है और उस डोमेन के अंदर जो अपोनेंट होता है उसका माइंड जो है वो खो जाता है और इस तरीके से खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या चल रहा है, क्योंकि गाइस इनफाइनाइट स्पेस की वजह से उसके माइंड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है जो कि ना ही कभी उसने एक्सपीरियंस की होती है, ना ही कभी देखी होती है, ना ही कभी सुनी होती है, जिसकी वजह से वो खो जाता है और एक लाइक पैरालाइज की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से गोजो अपने अपोनेंट को आसानी से हरा सकता है। लेकिन यही नहीं, गोजो अपने डोमेन एक्सपांशन में अटैक भी परफेक्ट तरीके से कर सकता है बिना किसी परेशानी के। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि गोजो सातोरु का जो डोमेन एक्सपांशन है कितना डेडली हो सकता है एक अपोनेंट के लिए। लेकिन डोमेन एक्सपांशन जितना अंदर से पावरफुल होता है उतना ही कमजोर होता है बाहर से, यानी कि जो डोमेन एक्सपांशन के अंदर अपोनेंट होता है उसे उस डोमेन से बाहर निकलना मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन उसी तरह अगर कोई डोमेन के अंदर बाहर से आना चाहे तो वो आसानी से आ सकता है उसे तोड़ के, जैसे कि हमने एपिसोड 13 में देखा था जहां पे माहितो ने अपना डोमेन एक्सपांशन यूज किया था नानामी के ऊपर, लेकिन जो इतादोरी था वो डोमेन एक्सपांशन के बाहर था, तो इतादोरी ने जो है वो डोमेन एक्सपांशन को आसानी से बाहर से तोड़ के वो अंदर आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से जो डोमेन एक्सपांशन है कितना कमजोर हो सकता है। लेकिन इतना पावरफुल टेक्निक यूज करने के बावजूद भी गोजो एक दिन में मल्टीपल टाइम्स डोमेन एक्सपांशन यूज कर सकता है, लेकिन यूजुअली नॉर्मल सोर्सरर के लिए एक दिन में डोमेन एक्सपांशन को यूज करना मतलब उसके पूरे एनर्जी को एक्सॉस्ट करना होता है, इवन वो दूसरे दिन भी डोमेन एक्सपांशन यूज नहीं कर सकता। लेकिन गोजो के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली उसे डोमेन एक्सपांशन यूज करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार गाइस जितने भी पावर और एबिलिटीज मैंने बताया है वो मैंने सीजन 1 के हिसाब से बताया है, जितनी भी सारी चीजें हमने देखी है सातोरु गोजो के बारे में सीजन 1 में वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। लेकिन हमें आगे और भी पावर और एबिलिटीज देखने को मिलेगी आने वाले सीरीज में, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ओपी कैरेक्टर है और कितना अमेजिंग कैरेक्टर है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पूछ सकते हो और मुझे वहां पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं एनिमे से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो गुड बाय।